नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इंटरनेट का दायरा बढ़ने के बाद आजकल लोग भी जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल का सहारा लेते हैं। लोगों को यह भरोसा है कि गूगल पर उपलब्ध जानकारी सही होती है, लेकिन जाने अनजाने में कई बार लोग ऐसी चीजें गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं जो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसी स्थिति में अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे पता लगाए कि मुसीबत से बचने के लिए हमें गूगल पर क्या सर्च नहीं करना है। यदि आपके मन में भी इस तरह के सवाल उठता है तो इस सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में आपको मिलेगा। दवाइयां, यदि आपकी तबीयत खराब है तो आप लक्षण के आधार बनाकर गूगल का सहारा लेते हैं और इसके जरिए आप पता लगाना चाहते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। साथ ही इस बीमारी से ठीक होने के लिए आप गूगल पर दवाइयां भी सर्च करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। गलत दवाइयां लेने से आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, इसलिए जब भी आपकी तबीयत खराब हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कस्टमर केयर नंबर, हम सब कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इनमें किसी भी तरह की परेशानी होने पर हम सीधा कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर पता नहीं होता है, ऐसे में हम गूगल का सहारा लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गूगल पर किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खोजना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस संबंध में आपको बता दें कि साइबर क्राइम को बढ़ावा देने वाले हैकर्स किसी भी कंपनी का फेक हेल्पलाइन नंबर गूगल पर फ्लोट कराते हैं। ऐसे में जब आप उस नंबर पर कॉल करेंगे तब आपका नंबर हैकर्स के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद हैकर्स आपके नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें SMS स्वैप जैसी घटनाएं शामिल हैं। बम बनाने का प्रोसेस, आजकल के दौर में लोग किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए गूगल की मदद लेते हैं। ऐसे में गूगल पर भूलकर भी बम बनाने का प्रोसेस या इससे जुड़े किसी भी प्रकार का सर्च ना करें। इस प्रकार के सर्च करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आप इस तरह की चीजें गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन का IP एड्रेस सीधा सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाएगा। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसी आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर दे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि गूगल पर इस तरह का सर्च भूल कर भी ना करें। मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर, गूगल सर्च के जरिए हम कई बार फर्जी ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में ये फर्जी ऐप हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।